साल 2023 में जब इस कल की मूवी को हॉलीवुड की मेगा हॉल अचीवमेंट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कॉन्फिडेंटली अनाउंस किया गया, इवन जब इसका फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज किया गया, तब से आपका भाई बताते आ रहा है कि इस तरीके की क्वालिटी फ्यूचरिस्टिक माइथोलॉजिकल डिस्टोपियन मूवी इस इंडिया के अंदर आज तक हमने नहीं देखा है। आई रिपीट, नहीं देखा है। इवन मैंने ये तक भी बहुत बार कहा है कि ये पिक्चर इंडियन सिनेमा का एवोल्यूशन नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट, फर्स्ट ग्लिम्स, फर्स्ट पोस्टर, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, इवन नेक्स्ट लेवल की लाइव रियलिस्टिक प्रमोशन। ये मूवी हर एक फैक्टर में टिपिकल इंडियन मूवी से बहुत आगे निकल चुका है। अब बता दो मुझे कि आपने कब इस तरीके की प्रमोशनल इवेंट देखा है जहां मूवी में यूज होने वाला असली डिजाइन किया गया कार को लेकर मूवी का हीरो खुद पब्लिक के आंखों के सामने विदाउट वीएफएक्स सीजीआई स्टंट दिखा के पिक्चर को प्रमोट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, लोगों के आंखों के सामने विदाउट फिल्टर वो फ्यूचरिस्टिक स्पेसिफिकली मूवी के लिए डिजाइन किया गया कार एग्जैक्ट वैसे ही मिट्टी और रेत में चक्कर लगा रहा है जैसे विद वीएफएक्स और सीजीआई हमें टीजर में देखने को मिल रहा है। क्या आपने देखा है ऐसा प्रमोशन? आई मीन फ्यूचरिस्टिक प्रमोशन। भाई बंदा वही कॉस्ट्यूम पहन के आया है जो मूवी में उसका एक्चुअल कॉस्ट्यूम है। देखा जाए तो इवेंट का स्टेज गया भार में। ये डिस्टोपियन मूवी है तो प्रमोशन और नाच गाना मिट्टी के अंदर ही होगा। व्हाट ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नागाश्विन सर, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने ये मार्केटिंग जीनियस वाला वीडियो यू ही नहीं डाला, मुझे इसका अंदाजा था। ओके, तो देन मेन मुद्दे पे आते हैं क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं भैरवा का सबसे अच्छा दोस्त बुज्जी के बारे में। आई मीन एक AI रोबोट विद कार। मेरा मतलब भले ही बुज्जी भैरवा के कंधों में हर वक्त घूमता रहता मगर मेरे अकॉर्डिंग जब बुज्जी कार के अंदर होगा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। एग्जैक्ट आयरन मैन मूवी में टोनी का सहायक जार्विस की तरह। That's great नागाश्विन सर, you are a genius। मैं तो कहता हूं इस टीजर को देखने से पहले आप कुछ वक्त के लिए, जी हाँ कुछ ही वक्त के लिए हमारी माइथोलॉजी या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भूल जाओ। भले ही उन चीजों का मूवी में सबसे मेजर रोल है पर फिर भी भैरवा से ज्यादा ये टीजर बुज्जी को इंट्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन दुनिया में हमारे मूवी के हीरो का सहायक कोई दोस्त नहीं होता बल्कि एक एडवांस इंटेलिजेंट AI उसका असली दोस्त होता है। अपने फॉरेन के ब्लेड रनर जैसे मूवीज देखा है तो आपको ये बात पता ही। एग्जैक्ट उसी कारण की वजह से मूवी के मेकर्स इस AI रोबोट कैरेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वीडियो के टाइटल में क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग भैरवा नहीं बल्कि इंट्रोड्यूसिंग बुज्जी। तो क्या इसका मतलब हमारे भैरवा का एक और सेपरेट टीजर आएगा? Let's see। Okay, तो बुज्जी के कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दिया और हाँ ये जो वॉइस आप बुज्जी के आवाज में सुन रहे हो ना वो कीर्ति सुरेश दे रहे हैं। टीजर के स्टार्टिंग में ही अनएक्सपेक्टेडली हमारा बुज्जी मर्सिडीज कार की उस लोगो की तरफ बाहर निकलता है और एक AI गाइड की तरह भैरवा को उस कार की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और भैरवा भी उसके साथ बिल्कुल दोस्त जैसा बर्ताव कर रहा है एग्जैक्ट ब्लेड रनर मूवी में जोई की तरह, बट वो मामला थोड़ा सा सेंसिटिव था, उस पे नहीं जाते। दिन हमें एक रेगिस्तान की शॉट देखने को मिलता है जो इतना रियलिस्टिक है कि मैं बता नहीं सकता। भाई यार सच बता रहा हूँ, ये फ्रेम हॉलीवुड मूवी का वाइब दे रहा है। फिर इसके बाद भाई इस कार को उड़ते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये वही कार है जो थोड़ी देर पहले हमारे प्रवास ने इवेंट में। व्हाट ए वर्ल्ड, व्हाट ए एग्जीक्यूशन, व्हाट ए विजन, व्हाट ए क्वालिटी, इक्वल टू बुज्जी और भैरवा का मजेदार केमिस्ट्री। मजा आ गया। साथ में BGM का कॉम्बिनेशन, भाई यार BGM इस मूवी का कमाल का है। देखो भाई सीधी बात, नो वकवास, विदाउट समोसा बताना चाहता हूँ इस टीजर में नागाश्विन का काम, आई मीन काम के अंदर जो काम उन्होंने किया है उसमें गलतियां ढूंढना मुश्किल होगा। हर एक फ्रेम काफी ज्यादा परफेक्ट नजर आ रहा है। भले ही भैरवा के टीजर वाले हाइप ने बुज्जी के टीजर को थोड़ा सा ठंडा कर दिया, पर ठीक है यार, बुज्जी हमारे भैरवा का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त हुआ ना और हम उससे प्यार करेंगे। मैं इंटरनेट में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग Love You 3000 को, वो एंड गेम वाला Love You 3000 को यहाँ Love You बुज्जी से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि करना तो नहीं चाहिए मगर दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट है। मैं बता रहा हूँ भाई सिर्फ एक ही इशू इस मूवी को खतरे में डाल सकता था। आई होप आपको वो चीज पता है। ऑब्वियसली भाई मूवी का VFX और CGI का एग्जीक्यूशन प्रेजेंटेशन, पर यार अब ये टीजर देखने के बाद वो डाउट मुझे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। मूवी के बजट के हिसाब से क्वालिटी इंप्रेसिव है, अब जो भी कहो। प्लीज यार नागाश्विन भाई अब तो टीजर ड्रॉप कर दो, ये 57 सेकंड का इंट्रोडक्शन वीडियो से काम नहीं चला पाएंगे हम लोग, हमें कुछ तगड़ा माल मांगता है, जल्दी ला। और हाँ इस टीजर में मैंने बहुत सारे डिटेल्स को नोटिस किया है मगर वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो के लिए
मैंने रेडी रखा है। वो देखना है तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। कर दो, करना होगा। नहीं, मैं नहीं जाने वाला, पहले लाइक करो। हो गया ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू मुझी।